हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रुद्रा चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मैं ज्योति द्विवेदी, आज मैं अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ। उसमें मैं अपने घर में रात में बना रही थी इडली सांभर नारियल की चटनी ये सब, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। हालांकि सब लोग ऐसे ही बनाते, बट मैंने सोचा दिखा दूँ। सिंपल सी एकदम बनाती हूँ, कोई ज़्यादा खास नहीं, कोई न्यू ट्रिक नहीं, सिंपल सी बनाती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते अपना वीडियो। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा ये जो इडली का बैटर है कितना अच्छा फर्मेंट हो चुका है। इसको मैंने करीब 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो दिया था। और मैं बना रही हूँ रवा की इडली। अगर आप बनाते हैं तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस मैंने इसको 1 से 1.5 घंटे पहले ये सूजी ली थी और इसमें थोड़ा सा जितना सूजी लिया है उसी का आधा मैंने दही ऐड किया है और थोड़ा 1 टेबल स्पून मैंने सोडा ऐड किया है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है। बस ये 1 घंटे में इतनी अच्छी फूल चुकी थी। अब इसके बाद मैं एक साइड, मेरे पास पूरा स्टैंड नहीं है, बस ये 4 इसकी स्टैंड है, तो मैं इसे भगोने में पकाती हूँ। मैंने एक भगोने में पानी चढ़ा दिया है, सिर्फ एक गिलास पानी रखा है और सारे स्टैंड में मैंने ऑयलिंग करके इसमें इडली का बैटर डाल दिया है। और 5 मिनट बाद आप लोगों को इस तरीके से ये चाकू लगा के चेक करना है कि पकी है कि नहीं। अगर आपकी चाकू बिल्कुल साफ़ निकलती है तो इसका मतलब आपकी इडली पक चुकी है। तो देखिए मेरी सारी इडली निकल चुकी थी और मैंने एक साइड अपना सांभर चढ़ा दिया था और आप लोग देख सकते हो मेरा सांभर पक गया है। और जब तक सांभर को मैंने थोड़ा चला के देख लिया था तब तक मेरी इडली ठंडी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको प्लेट में निकाल देती हूँ, फिर सांभर को चेक करती हूँ कि उसको फ्राई करना है तो उसमें क्या क्या डालूँ। पहले तो मैंने सांभर बनाने के लिए उसमें अरहर की दाल ली है, थोड़ी सी लौकी, कद्दू और थोड़ा सा बैंगन, टमाटर, ये सब कुछ ले के मैंने पहले हल्दी, नमक और मिर्च डाल के उसको चढ़ा दिया था। और अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, जब मेरी कढ़ाई गर्म हो गई थी तो मैंने उसमें ऑयल डाल दिया था। और जब ऑयल गर्म हो गया तो जो बनारसी राई आती है छौंकने वाली राई, मैंने वो उसमें ऐड कर दी। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी हींग ऐड कर दी और प्याज डाल दिया। जब तक प्याज मेरा ब्राउन हो रहा है तब तक मैंने दूसरी साइड ट्रे में और इडली लगा दी थी कि फटाफट से वो भी पक जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हो, मैं अपने प्याज को कर रही हूँ फ्राई और वो काफ़ी अच्छा कलर चेंज कर चुका है, ब्राउन हो गया है। तब मैं उसमें टमाटो ऐड कर दूँगी और टमाटो को मुझे तब तक पकाना है जब तक कि वो सॉफ़्ट नहीं हो जाते, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था कि टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए। और मुझे इसे भी तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़ा सा तेल ना छोड़ दें। तो आप लोग देख सकते हो मेरे टमाटर भी फ्राई हो गए, उसने तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सांभर मसाला और सांभर मसाला डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए चलाऊंगी और फिर उसके बाद इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक। बस इसी तरीके से सब कुछ ऐड करके एक बार इसे फिर से अच्छे से फ्राई कर लूंगी जब तक इसमें अच्छी स्मेल ना आने लगे। और आप लोग देख सकते हो जो मेरी ये सांभर पका रखा था इसमें मैंने थोड़ी सी ना मथानी से इसको हल्का सा मथ दिया है, जिससे कि जो भी सब्जी थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े हैं वो थोड़े छोटे छोटे से हो जाएं तो उनका कलर और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो मैंने सब कुछ डाल दिया है और मेरे सांभर का कलर कितना अच्छा लग रहा है। और दूसरी साइड दूसरी ट्रे भी इडली की तैयार हो गई है। और अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी पिसी खटाई, जो आमचूर पाउडर आता है ना वो मैंने ऐड किया है। इसको डालने के बाद ये खट्टी भी हो जाती है। वैसे तो खट्टा करने के लिए मैंने इसमें अमिया, जो आम आते कच्चे आम, वो ऐड करे थे, उससे वो खट्टा भी हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे सांभर में कितना अच्छा कलर आ गया है। और अब मेरा सांभर रेडी था। अब मैं तैयार कर रही थी नारियल की चटनी। कुछ लोग नारियल की चटनी बनाते हैं तो उसमें मूंगफली के दाने ऐड करते हैं, बट मैं जो भुने चने होती हूँ उसे भुने चने होते हैं उसे मैंने पानी में भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी दही और इसे पीस लूँगी। अगर आप चने के साथ भी बनाते तो काफ़ी अच्छी चटनी बनती है, इस वजह से मैं चने ऐड करके बना रही थी। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको मिक्सर में पीस लिया और इस तरीके की बन के तैयार हुई। थोड़ी सी थिक है तो मैं इसमें पानी डाल लूँगी और थोड़ा पतला कर लूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी ये नहीं बनती है। अब मैंने दूसरी तरफ चमचा, एक ये फ्राई वाला जो छोटा सा चमचा था इसको चढ़ा दिया था, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और फिर उसमें वही बनारसी राई डाल दी थी। वैसे तो इसमें जो लाल खड़ी मिर्च होती है उसका भी छौंक लगता है, बट वो मेरे पास नहीं थी घर पर, इस वजह से मैंने राई का ही सिर्फ छौंक लगाया था और थोड़ा सा लाल मिर्च
और नमक ऐड कर दिया था। और ये है मेरी फाइनल डिश। और कैसी लगी आप सबको मेरा आज का ये खाना? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो तब तक के लिए बाय, अब मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।